गुड मॉर्निंग आशियंस, दिस इज रांची राइडर। तो यार फिर से आज है संडे और अपन जा रहे हैं आज राइड पे। बट आज अपन जा रहे हैं एसके भाई के ग्रुप लोग के साथ। तो कुछ लोग मेरे ग्रुप के, कुछ लोग एसके भाई के ग्रुप के, दोनों मिलके आज एक मर्ज राइड कर रहे हैं। तो इधर है रवि की R15 और ये रहा अपना हल्क, जिसे अभी थोड़ा गर्म होने के लिए डाला है बिकॉज ठंड की टाइम है, ठंड काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुकी है रांची में, तो इंजन बहुत ज़्यादा ठंडी हो जाती है। तो सुबह सुबह उठ के पहले थोड़ी देर इंजन को गर्म करें स्टार्ट करके, उसके बाद इसको निकालें। सो ऑल राइट गाइस, एक और संडे राइड बाय दिस टाइम विद बेटर ऑडियो क्वालिटी और आई थिंक कैमरा एंगल भी सही है जहाँ तक मेरे को लगता है, बिकॉज अभी तक चेक नहीं करा है। तो अपने को अभी जाना है रातू रोड शॉक न्यूक्लियस के पास से, अभी अपने को अभिषेक को लेना है, अभिषेक जिसकी है ड्यूक 390 द बीस्ट। और फिर उसके बाद अपन जाएंगे रातू रोड शॉक, जहाँ पे अपने को मिलेंगे और सारे लोग। तो वहाँ पे कुछ लोग ऑलरेडी आ चुके हैं, अपन जल्दी जल्दी में भी थोड़े 6 मिनट लेट है अभी, बट अगले 4 मिनट में अपन रातों रात चक पे होंगे, इतना मेरा वादा है। तो चलो चलते हैं, एंड फर्स्ट टाइम है मेरा एसके भाई के साथ, तो चलो पहले उनसे मिलते हैं फिर बाकी बातें वहीं पर करते हैं। तो अपन आ चुके हैं अभी निकलेस मॉल के पास, देख सकते हो क्रिसमस का जो डेकोरेशन है वो यहाँ पे हो रहा है। अभी इतना ही में नहीं, अभी और होगा थोड़ा यहाँ पे। और सामने 390 पे अभिषेक, लेट्स गो बॉय। तो चलो जल्दी से रातू रोड चौक पहुँचते हैं। तो भाई साहब राइड हो चुकी है शुरू, एसके भाई आए हैं थोड़ा लेट, इसीलिए अपने को उनसे बात करने का भी मौका मिला नहीं है। तो अपना प्लान ये है कि पहले सीधा वहाँ जाएंगे और फिर आराम से बैठ के अपन करेंगे वार्तालाप। तो काफ़ी ज़्यादा राइडर्स है आज, तो बहुत ज़्यादा संभल के चलाना पड़ेगा अपने को, बिकॉज अपने को ऐसा कोई इंजरी वंजरी चाहिए नहीं और ना ही कुछ अनहोनी चाहते अपन अपनी राइड पे। तो देख सकते हो काफ़ी लंबी लाइन दिख रही है और आज दो ग्रुप्स जो एक साथ जा रहे हैं, तो काफ़ी ज़्यादा मुश्किल होता है अदर ग्रुप्स के मेंबर को हैंडल करना। ये बात एसके भाई ने मेरे को कहा था कि मैं अपने ग्रुप से कोऑर्डिनेट कर लूँगा, आप अपने ग्रुप से कोऑर्डिनेट कर लेना। तो सही है, बिकॉज ऐसा होता भी है लोगों के मन में कि लोग एक दूसरे की बात मतलब दूसरे ग्रुप से लीडर की बात जल्दी मानते नहीं है। बट थैंकफुली हमारे ग्रुप में जितने भी लड़के हैं सब ज़्यादा मेच्योर्ड हैं, खासकर एसके भाई के ग्रुप के सब लोग काफ़ी सीनियर हैं हमसे। तो बेटर है कि हम उनके साथ चले और उनकी बातें को माने। तो फिलहाल अपन है कब्रिस्तान के पास एंड पिस्का मोड़ होते हुए खुटी होकर निकलेंगे, जैसा कि एसके भाई ने बोला है। तो बस एसके भाई ने बोल दिया तो हो गया, अपन उन्हीं को फॉलो करेंगे। तो आज है संडे सुबह, बट इतनी ज़्यादा क्राउड संडे को दिखती नहीं है, पता नहीं कैसे दिख रही है सुबह सुबह। एंड आई होप कि माइक की क्वालिटी एंड वीडियो की क्वालिटी अच्छी आ रही होगी। तो चलो बाबा राइड शुरू करते हैं और मजे लेते हैं लतरातू डैम के। तो जी अभी अपन लोग हैं पिस्का मोड़ में, देख सकते हो आगे एसके भाई है, फिर यश है, फिर अभिषेक, देन आदि, पीछे हैं बाकी लोग, सबका नाम पता नहीं है। तो काफी ज्यादा अच्छा लग रहा है, बट थोड़ा सा डर भी अंदर है बिकॉज काफी ज्यादा लोग हैं और संडे को पता नहीं क्यों ज़्यादा इतनी भीड़ है आज, क्राउड है रोड पे। बट होप करते हैं कि सब सही से हो, सही सलामत जाए, सही सलामत आ जाए। एंड लतरातू डैम जो है वो हम पहले एक बार जा चुके हैं, बट आज नहीं, आज से 8 साल पहले जब हम स्कूल टाइम में एक बार बंक मार के गए थे लतरातू डैम। साईं मंदिर देखने का बड़ा शौक था कि बेड़ों में साईं मंदिर कहाँ है, काफ़ी लोगों के मुँह से सुना था। तो एक बार अपन ने स्कूल बंक करा था और चले गए थे अपन वहीं पर। एंड आज सेकेंड टाइम अपन जा रहे हैं लतरातू डैम, अपने को तो उसका नाम तक नहीं पता था, जब बताया इसके भाई ने तब समझ में आया कि वह तो वही टाइम है जहाँ अपन बंक मार के घूमने चले गए थे। तो काफ़ी अच्छी लाइनअप है,
एंड राइड काफ़ी ज़्यादा अच्छी होने वाली है जहाँ तक मेरे को लगता है। बट जितने आ लोगों तो उतनी ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ जाती है, जैसा कि अभी एस के भाई और मेरे को लग रहा है, क्योंकि बाकी लोगों का तो कोई खास टेंशन है नहीं, बट अपना क्या है कि अपने साथ ही सारे लोग जा रहे हैं तो अपना और एस के भाई का टेंशन सेम है। बट होप करते हैं कि ज़्यादा कुछ ऐसा मतलब ऐसा कुछ दुर्घटना ना हो, सब राइड सही सलामत हो और सब आराम से वापस घर आ जाए। तो चलो राइड को शुरू करते हैं और पहुँचते हैं लदरातु डेम। सो हेलमेट नहीं है, इंडिकेटर नहीं है, चूतियों की तरह मुड़ रहे हैं, वाओ। और अगर मैं ठोक देता तो गलती किसकी होती? मेरी, क्योंकि मैं क्या था, 90 पे था, मैं तेज चला रहा था, मेरे पास भारी गाड़ी है, बस बड़ी गाड़ी है, तो गलती किसकी है? आपकी है, आपको चलाना नहीं आता। ये वही बड़े बुजुर्ग है जो हमें काफ़ी ज्ञान देते हैं, लोगों को ऐसे चलाना चाहिए, लड़के ऐसे चलाते हैं, ऐसे लड़का को चलाने नहीं आता। सर आपकी हेलमेट नहीं है सर, पहले वो देखो, आप लोग कितनी गलतियां करते हो दिन भर में, वो देखो। बात करें मौसम की तो यार देखो, रांची में ठंड आ चुकी है फाइनली। दो दिन पहले से जो ठंड लग रही है भाई, कल रात में जो टेम्परेचर था वो था 7 डिग्री सेल्सियस, वो भी था हमारे कोकर में। तो भाई साहब सोचो काके रोड का क्या टेम्परेचर होगा उस समय। तो ठंड आ चुकी है भाई, अगर रांची से हो तो स्वेटर वगैरह थोड़ा ज़्यादा निकाल के चलो, एंड अगर काम नहीं है तो घर में बैठे रहो, घर में पड़े रहो, आलसियों वाला मौसम है, आलसियों वाले मज़े लो। और अगर बाहर निकल रहे तो मेरी तरह 4-5 डाल के निकलो, बिकॉज धूप आ चुकी है फिर भी ठंड लग रही है, बिकॉज हवा काफ़ी तेज़ चल रही है। अच्छा नहीं कि मैं बाइक चला रहा हूँ इसीलिए खड़ा हो जाऊँगा, तो भी हवा तेज चल रही है और ठंड लग रही है भाई। संडे हो या मंडे, रोज खाओ मुर्गे। और देख सकते हो रोड काफ़ी ज़्यादा प्यारी है इधर की, कतई NH हो रखी है। सड़कें बनाओ सरकार, सड़कें बनाओ, रोड टैक्स भर किस ले रहे हैं अपन? तुम्हारी ऑडी कार के लिए। और भाई साहब यहाँ से जो सड़क स्टार्ट होगी ना, मतलब इतनी ज़्यादा प्यारी है कि आपको मज़ा आ जाएगा, मन करेगा बाइक खड़ा करके अपन पैदल ही चले जाए। तो ये थोड़ी सी पैची रोड, फिर आएगी थोड़ी सी अच्छी रोड, फिर आएगी और ज़्यादा पैची रोड, फिर अच्छी रोड, फिर पैची रोड, फिर अच्छी रोड, मतलब इंस्टॉलमेंट में बनाया गया है रोड को। देखो अपने ग्रुप में क्या है कि जो सीनियर होता है उसके पीछे सारे लोग चलते हैं, लाइक मेरे ग्रुप में सारे, अगर मैं आगे आ गया हूँ सारे लोग मेरे पीछे रहेंगे, या अगर मैंने किसी को बोल दिया कि भाई साहब ये लीड कर रहा है तो वो उसके पीछे रहेगा। बट यहाँ जो सबसे सीनियर है मेरे लिए और हम सब के लिए वो है SK भाई। तो अपन भाई गलती से भी उन्हें क्रॉस नहीं करेंगे, वो जैसे चला रहे अपन उनके पीछे पीछे उन्हें अच्छे बच्चों की तरह फॉलो करेंगे और राइड के मज़े लेंगे, बिकॉज काफ़ी ज़्यादा एक्सपीरियंस है उनका। और यहाँ हो गया है शायद एक्सीडेंट, नो सॉरी माल उतर रहा था भाई, माल की क्या यार, बोरियाँ उतर रही थी सामान की, अनाज की बोरियाँ। यहाँ पे लिखा हुआ है मे बी जाम टोली, नवा टोली, बिरदा, कर्रा, लापुंग। यहाँ से 35 किलोमीटर है, पर अपने को लापुंग जाना नहीं है। अपनी जो डेम है वो ये है यहाँ से 15 किलोमीटर, और अपने को लगभग 28 मिनट लगेंगे गूगल मैप के हिसाब से, और लग जाएंगे आज अपने को गूगल मैप जितना लग जाएंगे भाई।